तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सिस्टम दिया हुआ है। तो जो M1 M2 यहाँ पे सिस्टम में दो ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी प्रेजेंट है। ये सरफेस जो है वहाँ रफ है, तो ये कहते हैं कि M2 विल मूव अपवार्ड, M2 ऊपर जाए ये वाला और ये नीचे आए, तो क्या कंडीशन होता है, M1 M2 की क्या रेशियो होना चाहिए कि ये ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर जाए नीचे आए, मतलब ऊपर जाने और नीचे आने का क्या कंडीशन है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये M2 है, ये वाला जो है वो M2 है और ये M1 है, ठीक ना। तो ये फोर्स, अगर लगने वाले फोर्स देखोगे तो सबसे पहले इस पे देखोगे तो इस पे तो इसको नीचे जो खींच रहा है M1 जी नीचे खींच रहा है और इसको टेंशन ऊपर खींचेगा। तो सिंपल सी बात है, ये नीचे कब जाएगा यार, जब M1 G ज़्यादा होगा। मान लो ये 100 न्यूटन हो गया या टेंशन 80 न्यूटन हो गया, तो 20 न्यूटन से नीचे एक्सलेट होगा। तो पहला तो इक्वेशन यही बना कि M1 अगर देखोगे, M1 नीचे जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड इफ़ इफ़ M1 G इज ग्रेटर देन टेंशन T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये M1 G ग्रेटर होगा टेंशन T से, तभी तो नीचे जाएगा। M2 पे फोर्स देखो, सबसे पहले M2 पे वही टेंशन T इधर लगेगा और इधर लगेगा MG, ऐसे लग रही होगी भाई, तो MG ऐसे लग रही होगी। अगर ये थीटा है तो ये MG का एक कंपोनेंट, ये भी थीटा होता तो MG का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा MG cos थीटा, और MG का एक कंपोनेंट इधर आएगा MG sin थीटा, ठीक है। सिंस ये ऊपर जा रहा है, चूंकि हमें जानते हैं, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और टेंशन इधर लगा, तो और नॉर्मल इसको इधर लगेगा। तो नॉर्मल तो MG cos थीटा को बैलेंस कर लिया होगा, तो हमें नो वर्टिकल में तो मोशन एलॉन्ग द प्लेन, सॉरी एलॉन्ग द प्लेन मोशन तो देखना नहीं है। तो नॉर्मल तो MG cos थीटा को बैलेंस कर लिया। अब पैरेलल टू प्लेन देखो, जो टेंशन है भाई, ये वाला जो टेंशन है प्यारे बच्चे, देखो जो टेंशन फोर्स है, ये जो टेंशन है और ये दोनों इसको पीछे खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को टेंशन आगे खींच रहा है। तो टेंशन अगर M2 के लिए देखोगे तो टेंशन अधिक होगा, टेंशन अधिक होगा किसके, MG sin थीटा प्लस फ्रिक्शन से, तभी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा यार। ऊपर जाने का क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो M1 G प्लस टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन टेंशन T प्लस MG sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ टेंशन टेंशन इस खत्म हो गया, MG मस्ट बी ग्रेटर देन यहाँ से M2 G sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू μN। ये M2 रहेगा बच्चों, ये M2 है, ये M2 यहाँ पे जाएगा, ये M2 था ना, तो ये सारे M2 M2 रहेंगे। तो चलो यहाँ से अब हमें कंडीशन निकालनी है, तो इसी कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो M1 G इधर है और M2 G sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से M2 G cos थीटा। देख रहे हो फिजिक्स कितना सिंप्लीफाइड है और कितनी अच्छी चीज़ है। इसी क्वेश्चन के बारे में ध्यान से अगर सोचोगे डेप्थ में जाके, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो गया, पूरे सिस्टम को जो आगे पुल कर रहा है वो M1 G है और पीछे जो पुल कर रहा है उस सिस्टम को फ्रिक्शन प्लस ये है। तो अगर M1 G अधिक होगा इन दोनों फोर्स से जो इसको पीछे खींच रहे हैं, तभी तो जाके पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाएगा भाई। टेंशन को भूल जाओ, अगर पूरे सिस्टम ये वाला जो है M1 G को बराबर कर दोगे इससे, तभी भी तो बात हमारी बन जाएगी। तो बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया था, बट आप जब एक्सपर्ट हो जाना तो ये स्मार्ट तरीका लगा सकते हो। चलो अब यहाँ से निकाल लो, जी जी खत्म हो गया, तो M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू आ गई मस्ट बी ग्रेटर देन यहाँ से जी सा जी जी खत्म हो गया यहाँ से sin थीटा प्लस μ cos थीटा। तो sin थीटा प्लस μ cos थीटा के से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से अपना M1 प्लस M2 sin थीटा प्लस μ cos थीटा, मतलब अपना बी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा, सिंपलेस्ट सोल्यूशन। थैंक यू।